अस्सलाम वालेकुम एवरीवन आई होप यू आर डूइंग फाइन वेलकम टू द साइकोलॉजी लेक्चर्स इस चैनल को आप लाइक करें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब प्लीज मास्टर परसोना ओके गेस्ट ऑफ जंग पर्सोना का एक्सप्लेन करता है ऐसे पर्सोना को वो पर्सनैलिटी के तौर पर एक्सप्लेन करता है और पर्सोना को मास्क भी कहा जाता है ठीक है अब मास्क जो उनसे है वो जो एक्टर्स पहन के थिएटर करते हैं लाइक पहले ना रशिया और यहाँ पर सारे थिएटर होता था ना तो थिएटर में आ, मास्क पहने पहनते थे वो लोग मास्क पहन के वो लोग थिएटर करते थे ताकि असल एक्टर्स जो है उनको पहचाना ना जाए और वो पूरे गेटअप में आके फिर उस एक्टर का या फिर जो भी एक्ट था उसमें वो अपना रोल परफॉर्म करते थे तो वहाँ यहाँ पे कालजुम ने एक परसोना का कॉन्सेप्ट दिया परसोना मींस मास्क तो एक इंसान ने जो मास्क पहना हो लाइक के अगर कोई इंसान डॉक्टर है तो डॉक्टर उसका मास्क है एज ए डॉक्टर वो जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है आउटसाइड इन द सोसाइटी वो उसका मास्क है फ्रॉम द इनसाइड कि वो अंदर से कैसे है अपने घर वालों के साथ कैसे उसकी क्या नीड्स हैं वो क्या सोचता है क्या करता है वो सारी उसकी पर्सनैलिटी है जो कि बिहाइंड द मास्क छुप चुकी है ठीक है तो यहाँ पर इसने परसोना का इस तरह एक कॉन्सेप्ट दिया था कि सम प्रोजेक्ट अ पर्टिकुलर रोल डेट सोसाइटी डिटेक्ट डैपटेड्स टू अस कि हम कुछ ऐसे रोल्स जो उनसे अपनी सोसाइटी के लिए एक एजुकेटर है वो पढ़ाता है तो वो एक रोल मॉडल के तौर पे सोसाइटी के सामने पेश होगा एक डॉक्टर है वो ट्रीट करता है तो वो एक नॉलेजेबल एक इंसान एक दानिश इंसान की तरह लोगों को ट्रीट करने में बिज़ी रहेगा और ऐसे करेगा कि वो चाहता है कि हर कोई ठीक हो तो सोसाइटी जो हमारे प्रोफेशन या फिर हमारे वर्क के रिलेटेड हमसे जो डिमांड करती, करती है वो एक मास्क पहन के सोसाइटी को जाकर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन स्पेट कि हम असल में कैसे हैं हम अपने आप की अपनी हकीकत छुपा के जाती हैं उनके पास तो यहाँ पे इसने ये कॉन्सेप्ट दिया है ठीक है नंबर वन पर्सनैलिटी जूंग्स लाइफ और जूंग की ना लाइफ की अगर हम बायोग्राफी uh, देखें तो बायोग्राफी में आपको मिलेगा कि जूंग ने दो uh, एक uh, एटीट्यूड्स लाइफ एटीट्यूड्स का भी कोई एक कंसेप्ट था जिसमें उसने कहा एक इंसान की एक पर्सनैलिटी नहीं होती नंबर ऑफ पर्सनैलिटीज़ होती है और इसी तरह उसने अपनी भी दो दो पर्सनैलिटीज एक्सप्लेन की हैं पर्सनैलिटी नंबर वन और पर्सनलिटी नंबर टू परसनैलिटी नंबर वन को वो कहते हैं कि वो काफी एक्सट्रोवर्टेड है और सब्जेक्टिड है सब्जेक्टिव है ठीक है लाइक like, uh, नहीं पर्सनैलिटी नंबर वन एक्सट्रोवर्टेड है और ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी की वो आउटसाइड द वर्ल्ड में जो उसके इर्द गिर्द चीज़ें उनके बारे में उनसे कंसर्न है और वो काफ़ी मिलन जो है और इर्द गिर्द के लोगों को देखती है लेकिन उसकी सेकेंड पर्सनैलिटी इंटू है और सब्जेक्टिव है कि वो सिर्फ़ अपने आप में अकेले में रहने वाला और सिर्फ अपने ख्याल को देखने वाला एक इंसान है तो इसी तरह उसने भी कह ये कहा कि एक इंसान का पर्सनैलिटी नंबर वन जो उनकी है वो कालजों की परसोना थी लोगों के सामने वो काफ़ी मिलन जो था लेकिन असल में वो ऐसा नहीं था वो कहते हैं कि जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं पर्सनैलिटी नंबर टू होता हूँ जब मैं लोगों के दरमियान होता हूँ तो मैं पर्सनैलिटी नंबर वन होता हूँ तो इसी तरह इसने भी परसोना द मास्क का कंसेप्ट दिया कि इंसान की एक पर्सनैलिटी नहीं होती एक पर्सनैलिटी वो जो सोसाइटी को डिक्टेट करता है सोसाइटी को सोसाइटी को दिखाता है और दूसरी जो कि वो असल में होता है ठीक है और टू टू बिकम साइकोलॉजिकली हेल्दी मस्ट बैलेंस बिटवीन द डिमांड्स ऑफ सोसाइटी व्हाट वी ट्रू एंड व्हाट वी ट्रूली आर कि हमें सक्सीड uh, करने के लिए छीटने uh, के लिए कुछ हासिल करने के लिए हमें हमेशा अपने आप में जो हम हैं या जो हम चाहते हैं उसमें और सोसाइटी की डिमांड्स में बैलेंस करना होता है ठीक है और ये हमें फोरेंसिक साइकोलॉजी में भी काफ़ी ये कॉन्सेप्ट सुनने को मिलते हैं जुबनाइल साइकोलॉजी में हमें काफ़ी ये कॉन्सेप्ट सुनने को मिलता है कि किस तरह वो लोग जिनसे अपने पर्सनल नीड्स में और सुसाइटल सोसाइडल uh, नीड्स में जो सोसाइटी डिमांड करती है उन सब में बैलेंस नहीं कर पाते और फिर वो किस तरह गलत रास्तों की तरफ निकल जाते हैं तो यहाँ पर यह कह रहे हैं कि एक समझदार और कामयाब इंसान वही है जो अपने आप में और सोसाइटी की डिमांड्स में बैलेंस करना जानता है और उसके लिए क्या है उसके लिए हम लोग अपनी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ बनाते हैं और उनको पर्सनैलिटी नेम देके और वो पर्सनैलिटी जो हम दूसरों के सामने यूज़ करते हैं उसको परसोना कहता है ठीक है परसोना सोना द मास्क आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया हो फिर भी कोई क्वेरी है यू कैन आस्क मी ऑन अ कमेंट बॉक्स डू सब्सक्राइब माई चैनल अलाफ टेक केयर